भैया राम राम। मैं मेरा नाम शिवजन है, मैं डिंडोरी में रहता हूँ, धान का खेती करता हूँ। आज मैं उन्नत विधि से धान की खेती के लिए बीज उपचार करने जा रहा हूँ, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि धान की बीज का उपचार क्यों जरूरी है। हमारे यहाँ डिंडोरी जिला में सभी किसान धान की खेती करते हैं। कुछ किसान छिड़का विधि से करते हैं, कुछ किसान रोपाई करते हैं, कुछ किसान श्री विधि से करते हैं। धान की बीज का उपचार इसलिए किया जाता है क्योंकि धान बुआई के समय सड़ती है तो सड़न की बीमारी पाई जाती है, इसलिए धान की बीज का उपचार करना आवश्यक होता है। दूसरी बात, धान की बीज का उपचार इसलिए किया जाता है क्योंकि अंकुरण अच्छा हो और पौधा स्वस्थ हो। और तीसरी बात, बीज का उपचार इसलिए करते हैं क्योंकि टीका का काम करती है और आगे चलकर पौधे को नुकसान नहीं होती है, रोगों से रक्षा करती है। तो अब यह बताते हैं धान की बीज का उपचार कैसे किया जाता है। हमें धान की बीज उपचार करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक एकड़ खेत के लिए हम 6 किलो धान नाप के रख लिए। जो धान मैंने लिया है उसका नाम है कावेरी 888। यह उन्नत किस्म की धान है। धान की बीज के उपचार के लिए जो दवाई लिए हैं वह फेविस्टीन है, जो कि बाजार में फंजीदार 50 WPG नाम से मिलती है। यह तगाड़ी धान की बीज को उपचार करने के बाद तगाड़ी रखकर खेत में ले जाते हैं। यह चम्मच है जिसमें हम वेस्टिंग पाउडर को नापते हैं। घर का ही धान लिया है तो उसमें खाप धान और कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं। मैंने 6 किलो धान 1 एकड़ जमीन के लिए लिया है। सबसे पहले हम धान को प्लास्टिक की बोरी में फैला लेते हैं और यह लगभग 5 ग्राम है, तो हमें 4 चम्मच लगी हुई 6 किलो धान के लिए। इसका मतलब यह हो गया 6 किलो धान के लिए 20 ग्राम विस्टीन पाउडर लगती है। यह विस्टीन पाउडर है, इसको इस प्रकार धान के बीज के साथ मिलाया जाता है। यह दूसरा चम्मच हो गया और यह तीसरा चम्मच हो गया। और ये चौथा चम्मच हो गया और इस प्रकार यह 20 ग्राम हो गया। यह विस्टीन पाउडर को इस प्रकार मिलाया जाता है कि यह धान की बीज के साथ पूरा चिपक जाए। इस प्रकार यह बीज विस्टीन पाउडर के साथ पूरा मिक्स हो गया। तो यह विस्टीन पाउडर धान के बीज के साथ बराबर मिल गया तो यह हुआ कि यह बीज उपचार हो गया। और यह बीज को हम तो तुरंत खेत में ले जाकर नर्सरी में बुआई करते हैं। क्योंकि मैं यह धान को रासायनिक दवाई से उपचार किया है, इसलिए धान को जो है अच्छी तरह साबुन से धो लें। इस प्रकार मैं यह धान की बीज का उपचार करता हूँ। इस प्रकार अन्य किसान भाई भी धान की बीज का उपचार करें और धान के पौधों को रोग से मुक्त करें। जय राम जी, धन्यवाद।